हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट की एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे। इसके पहले आज तक हमारा जो लेक्चर्स कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट हुआ है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल पर जाके प्रीवियस वीडियो को वॉच जरूर करें। सबको आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पीजीटी केमिस्ट्री 2022 की प्लेलिस्ट लगी हुई है, KBS केमिस्ट्री, NBS केमिस्ट्री, सारी प्लेलिस्ट में आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी हमने डिस्कस कर दिया है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज डिस्कस कर दिया है, यपी मर्स डिस्कस अभी नहीं डिस्कशन हुआ है। तो आज का जो टॉपिक्स है हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डिस्कस कर दिए हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज डिस्कस कर दिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, लोब्री डी ब्रायन वन आइंस्टीन रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट को हम देखेंगे, व्हाट इज लोब्री डी ब्रायन वन आइंस्टीन रीअरेंजमेंट, इस रीअरेंजमेंट को देखेंगे। उसके आगे हम देखेंगे हावर्स प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, उसके आगे हम देखेंगे हावर्स प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो लेट्स स्टार्ट दी क्लास, हम अपनी क्लास को यहीं पर स्टार्ट करते हैं इसी रीअरेंजमेंट के साथ। देखते हैं क्या होता है इस रीअरेंजमेंट में, अपनी क्लास को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप ग्लूकोज की रिएक्शन किसी भी एल्कली सॉल्यूशन के साथ करा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कली ऑन ग्लूकोज, आपने ग्लूकोज की बहुत केमिकल रिएक्शंस पढ़ी होगी कि जब भी आपका ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, ब्रोमीन वाटर के साथ, या HI के साथ रिएक्ट कर रहा था, या CN के साथ रिएक्ट कर रहा था, या H2OH के साथ रिएक्ट कर रहा था, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन आपको ग्लूकोज की प्रीवियस क्लास में बताई जा चुकी हैं। आज हम ग्लूकोज की रिएक्शन एल्कली में के साथ कराएंगे और उसी रीअरेंजमेंट को आप क्या बोलेंगे, लोब्री डी ब्रायन वन आइंस्टीन रीअरेंजमेंट। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखेंगे और उसमें कंप्लीट इसका नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। तो ग्लूकोज व्हेन रिएक्टेड वार्म्ड विथ स्ट्रांग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जब भी ग्लूकोज को स्ट्रांग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, ग्लूकोज फ्रॉम ए ब्राउन रेजिनियस प्रोडक्ट, ग्लूकोज एक ब्राउन कलर का रेजिनियस प्रोडक्ट फ्रॉम करता है। इन डायलूट एल्कली सॉल्यूशन डी ग्लूकोज रीअरेंज टू गिव दी मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज, डी मैनोज एंड डी फ्रक्टोज। जो आपका डी ग्लूकोज है वो किसकी किसकी मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है, डी मैनोज की और डी फ्रक्टोज की, इसी दोनों में ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे कन्वर्ट होता है इसी को हम पूरी प्रोसेस के साथ देखेंगे। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, जो भी आपका NaOH होगा, NaOH होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, OH माइनस Na प्लस में ब्रेक होगा। OH माइनस का फंक्शन क्या होगा, बेस का फंक्शन होगा, आएगा यहाँ से एक हाइड्रोजन लेगा तो क्या निकल जाएगा, H2O बना के निकाल लेगा। OH पहले से एक हाइड्रोजन लेगा, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। H2O यहाँ से निकल जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को शिफ्ट करेगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, तुरंत कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। यानी अगला स्टेप देख सकते हैं इस टाइप से होगा। अब जो भी ऑक्सीजन माइनस है उसको किसकी रिक्वायर्ड है, प्रोटॉन चाहिए उसको, प्रोटॉन चाहिए। तो प्रोटॉन कहाँ से लेगा, जो वाटर आपका अभी निकला हुआ था वहाँ से क्या करेगा, H प्लस ले लेगा और फिर से OH माइनस जो आपने यूज किया था रिएक्शन में वो क्या होगा, निकल जाएगा। वन बाई वन करके सारे स्टेप आप लिखेंगे, किसी स्टेप में अगर आपको कोई डाउट होगी तो आप हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। तो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को सेंड करेगा। जैसे अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेंड करेगा, तुरंत कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्या होगा, ब्रेक होगा। यानी क्या आएगा, कार्बन में माइनस चार्ज आएगा, कार्बन में माइनस चार्ज आएगा, और ये कार्बन में माइनस चार्ज आएगा तो उस क्या करेगा, एक प्रोटॉन जो अभी आपका OH माइनस के पास जो आपका एक प्रोटॉन यहाँ से निकला हुआ है H प्लस, एक यहाँ आ जाएगा कार्बन के पास आके जुड़ जाएगा, यानी HO हो गया, H हो गया, और यहाँ पर क्या लग गया, CHO लग गया, और CHOH3 हो गया और CH2OH हो गया। अगर आपका OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, डी मैनोज बोलते हैं। अगर OH ग्रुप आपका लेफ्ट साइड में है तो उसे क्या बोलते हैं, डी मैनोज बोलते हैं। डी का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करे तो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉक वाइज। यहाँ पर डी रिप्रेजेंट कर रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी रिप्रेजेंट कर रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो क्या बनेगा, डी मैनोज बनेगा। अगला हम देखेंगे, अब इसी रिएक्शन से आप अगला भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसी जो आपका इंटरमीडिएट वाला बना है इसी से आप डी फ्रक्टोज भी बना सकते हैं। लेकिन आप डी फ्रक्टोज इससे कैसे बनाएंगे,
ये चीज़ हम देखेंगे। तो डी फ्रेक्टोज बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले यहाँ का जो OH ग्रुप है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ से लीव आउट होगा तो क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। हाइड्रोजन यहाँ से निकलागा तो माइनस चार्ज आएगा। ये माइनस अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेंड करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा। जैसे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा तुरंत कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तुरंत कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। जैसे माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा तुरंत ये वाला जो हाइड्रोजन निकला है यहाँ पे इस कार्बन के द्वारा ले लिया जाएगा। तो क्या हो गया, CH2OH हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, CHOH3 हो गया, CH2OH हो गया। दिस इज दी फार्मूला ऑफ डी फ्रक्टोज। एक इसका फार्मूला आपको मिल गया, डी फ्रक्टोज का मिल गया। तो ये चीज़ याद रखेंगे, जब भी डी ग्लूकोज आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपके दो प्रोडक्ट पासविल हैं, दो रीअरेंजमेंट पासविल हैं। एक तो रीअरेंजमेंट है कि डी मैनोज बना लें, और दूसरा जो रीअरेंजमेंट है वो क्या है, डी फ्रक्टोज बना लें। यहाँ पे देखेंगे जो भी ये रिएक्शन हो रही है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस में हो सकती है, यानी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, द एबव इक्विलिब्रियम इज स्टेबलाइज्ड बाय द इन डायल, इसे इन डायल रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम एनी दीज थ्री हेक्सोज, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी दीज ऑफ थ्री हेक्सोज। अब आपका कोई ग्लूकोज है, ग्लूकोज में आपका क्या है, CHO ग्रुप लगा है, एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आ गया। नीचे की जो पूरी चैन है उसको हम R मान लिए हैं, उससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नीचे की जो पूरी चैन है ग्लूकोज की उसको हम R मान लिए हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, ये बेस आएगा यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन अपना माइनस क्या करेगा यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, तुरंत कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। यानी अगले स्टेप में इस टाइप से रिएक्शन होगी। अब क्या होगा, कार्बन पे माइनस चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे पहले से माइनस है, दोनों को क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, तभी ये दोनों स्टेबलाइज होंगे। H2O आपके पास है ही वाटर मॉलिक्यूल्स, ये दोनों वाटर से प्रोटॉन ले लेंगे तो क्या बनाएंगे, OH हो जाएगा, H हो जाएगा, और C डबल बॉन्ड O और H हो जाएगा। इसी को क्या लिख सकते हैं, CH2OH C डबल बॉन्ड O R, R की जगह पे आप पूरा ग्रुप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन गया फ्रक्टोज। ये आपको क्या मिल गया, फ्रक्टोज मिल गया। दिस प्रोडक्ट इज दी फ्रक्टोज। इस रीअरेंजमेंट को आप इस टाइप से भी करा सकते हैं, इस रीअरेंजमेंट को आप ऐसे भी करा सकते हैं। अगला क्या है, इसी ग्लूकोज से आप क्या कराइए, रीअरेंजमेंट कराइए तो आपको क्या मिल जाएगा, डी मैनोज मिल जाएगा, डी मैनोज मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, डी फ्रक्टोज आल्दो, डी फ्रक्टोज आल्दो इट हैज ए कीटोनिक CO ग्रुप। फ्रक्टोज के पास क्या लगा हुआ है, कीटोनिक CO ग्रुप लगा हुआ है, रिड्यूसिंग फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंट रिएजेंट। ये फेलिंग सोल्यूशन को भी रिड्यूस करेगा क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर है, और टॉलरेंट रिएजेंट को भी रिड्यूस करेगा। दी रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ मोनोसैक्राइड इन वीक एल्कलाइन सोल्यूशंस टू गिव ए मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक शुगर्स इज नेम्ड एज लोबरी डी ब्रायन वन आइंस्टीन रीअरेंजमेंट। यानी जो मोनोसैक्राइड्स होते हैं, अगर उसका आप एल्कलाइन सोल्यूशन की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट करा दें तो आपको एक आइसोमेरिक शुगर्स का मिक्सचर मिलेगा जिसका नाम आप क्या देंगे, लोबरी डी ब्रायन वन आइंस्टीन रीअरेंजमेंट। दिस रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड दी लोबरी डी ब्रायन वन आइंस्टीन रीअरेंजमेंट। तो इसमें आप देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है आपके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी रिएक्शंस आप जरूर दो नोट करेंगे, अगर अभी तक आपने नोट्स इसका प्रिपेयर नहीं किया होगा तो ज़रूर नोट्स बनाएं। अब हम आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर हमें डिस्कस करें। अगर आप भी PGT केमिस्ट्री, GIC केमिस्ट्री, नीट केमिस्ट्री, KBS केमिस्ट्री, CSIR, नेट केमिस्ट्री, इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल CY कंपटीशन क्लासेस से ज़रूर जुड़ें। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। इसके अलावा आप UG, PG एग्जामिनेशन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका भी आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।